नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी आत्मा का सेवक। हमारा प्रयास है आत्मसाधना के मार्ग पर परमात्मिक सत्य को आपके सामने रखना और यह मार्ग पर आपको प्रेरित करके बिना दवाइयां स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सिखाना। मित्रों, हमने प्राकृतिक आहार के बारे में बहुत कुछ जाना, अभी वक्त आया है यह हमारे जीवन में कैसा ढले। इसलिए आज का विषय है डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स की कुछ महत्वपूर्ण सत्य। हमारे डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का प्रथम सत्य है, सभी रोगों का एक ही कारण है और वह है आंतरिक मल संचय। हमारा सर्वप्रथम काम है गलत खानपान की वजह से हमारे शरीर के अंदर निम्नलिखित स्थानों पर गंदगी भरी हुई है। प्रथम, हमारे लीवर में ग्लूकोज का स्टॉक जमा हो गया है जो हमारे सर्वव्यापी की सिस्टम है। यदि कुछ कारणवश आपको 10 दिन बिल्कुल खाना नहीं मिला तो भी शरीर चलेगा, इतना स्टॉक हमारे पास होता है। अभी वक्त बदल गया है, खाना यहाँ सब जगह 24/7 उपलब्ध होता है। ऊपर से शहरी लोगों को तो सिर्फ आधे घंटे में पिज़्ज़ा आ जाता है और जोमैटो और स्विगी की वजह से हमें एक घंटा भी भूखा नहीं रहना पड़ता। तो यह शरीर में लीवर में जमा ग्लूकोज मतलब शक्कर इस्तेमाल नहीं होती, वह भी शरीर के लिए एक गंदगी है। मित्रों, शरीर का एक सत्य है, इसे जो हर रोज खाना मिलता है वह ग्लूकोज शरीर इस्तेमाल कर देता है और जो जमा है वह जमा ही रहता है। ऊपर से हर रोज हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कैलोरी की ज़रूरत है और जो पक्व आहार हम अभी ले रहे हैं वो लगभग आप 2500 से 3000 कैलोरी हम लेते हैं। इसमें से मेहनत का काम न होने की वजह से लगभग 1500 से 2000 कैलोरी बच जाती है, वह भी हमारे शरीर के गोडाउन में जमा हो जाती है। यह डिपॉजिट हमारा लगातार बढ़ते जा रहा है, फिर जगह न होने के कारण उसका रूपांतर चर्बी में होता है और यह चर्बी मुख्य अंग है, पेट, हीप और सारे शरीर पर छा जाती है। आप सबको पता है मानव देह की संपूर्ण ग्रोथ मतलब विकास यह ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। तब तक जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल शरीर में बनने में इस्तेमाल होता है वह लगता था, वह अभी उसकी 25 साल के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर सिलसिला शुरू हो जाता है वजन बढ़ने का। मित्रों, यह पक्व आहार एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, यह सिर्फ आपको सुस्ती और मस्ती देगा, अन्य कुछ भी आप इससे नहीं पाओगे। आपके देहरूपी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन उम्र के 25 साल के बाद पूर्ण हो जाता है तो भी आप पक्व आहार लेकर यह देहरूपी बिल्डिंग को ईंटे सीमेंट लगा रहे हो, उसके वजह से लगातार वजन बढ़ते जा रहा है। हमारी संस्था की मान्यता है उम्र के 25 साल के बाद आपकी देहरूपी गाड़ी का कंस्ट्रक्शन यदि पूरा हो जाता है, अभी कम से कम वक्त आया है, आप कम से कम आपको अभी शरीर को देना क्या है, शरीर को अभी हमको चलाना है, उसको बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमको शरीर चलने हेतु भोजन लेना है, हमको बढ़ाने हेतु भोजन नहीं लेना है। और हम तो भी जीभ और मन के लालच के कारण वही बॉडी बिल्डिंग मटेरियल खाते हो तो शरीर का वजन बढ़ेगा ही। इसलिए उम्र के 25 के बाद कम से कम हमारे सर्वव्यापी परमात्मा ने तय किया हुआ ईंधन मतलब जो भोजन है, फल सब्जियां और पानी, फलम पत्रम तोयम, जैसा है वैसा लेना अनिवार्य है। यही हमारा मूल ईंधन है जिससे आपकी देहरूपी गाड़ी 100% क्षमता से चलेगी। नहीं तो सभी रोगों का प्रथम लक्षण है वजन बढ़ना। शरीर का वजन बढ़ता है, यह शरीर से एक वार्निंग है,
हे मानव सुधर जा, नहीं तो बीमारियां आ जाएगी। और कुछ लोग मन और इंद्रियों के लालच में आकर जो नहीं खाना था वो खा रहे हैं, वह नहीं खाना है वो खाते रहते हैं। पक्व भोजन कुछ दिन के बाद एक एडिक्शन बन जाता है। उम्र कम होने के कारण, सिर्फ और सिर्फ अच्छे जीवनी शक्ति के कारण शरीर के अंदर होने वाले अत्याचार जीवनी शक्ति सहन करके किसी तरह आपको जीवित रखती है। जैसे ही 40 पार या उसके पहले ही जीवनी शक्ति की ताकत कम पड़ने लगती है, शरीर में टॉक्सिन गंदगी चर्बी बहुत बढ़ जाती है। अंत में वह गंदगी में कीड़े इतने बढ़ जाते हैं कि 24/7 काम करके भी जीवनी शक्ति के नियंत्रण के यह काम बाहर हो जाता है। मित्रों, इस तरह शरीर में कीड़े आ जाते हैं, मतलब बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। मित्रों, तो भी यह मानव बंदर की तरह अपने हाथ के चने सिंगदाने छोड़ना नहीं चाहता है। हाथ वह बर्तन में ही रखता है और जीवन भर मन और इंद्रियों की गुलामी करता है। बहुत लोगों को मैंने बंदर मतलब मदारी लोग बंदर कैसा पकड़ते हैं यह कहानी सुनाई। यह कहानी संक्षिप्त में ऐसी है। बंदर पकड़ने वाला मदारी एक बर्तन ऐसा लेता है जिसके अंदर बंदर का हाथ आसानी से जाता है। जैसे ही वो बंदर उसके अंदर रखे हुए स्विष्ट पदार्थ मुट्ठी में भरता है, उसका हाथ बाहर निकलता नहीं है। मदारी आता है, उसको डंडे से भी मारता है तो भी वह हाथ की मुट्ठी के चने सिंगदाने वह छोड़ता नहीं है और वही बर्तन के साथ फंसा रहता है। फिर इसको रस्सी से बांधा जाता है और ये मदारी लोग इनसे अलग अलग खेल करवाते हैं और उसको जीवन भर अपना गुलाम बना लेते हैं। वह बंदर के पास विकल्प रहता है, मुट्ठी में जो है वह छोड़ दे और भाग जाए, मगर वह भी इंद्रिय और मन के लालच में मदारी की गुलामी करना पसंद करता है, मगर चने सिंगदाने छोड़ना पसंद नहीं करता। यही हालत मानव की है, मानव की हो गई है। यह पक्व आहार से इतना एडिक्ट हो गया है, वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता और बंदर की तरह अपने इंद्रिय और मन की गलत लालच से वह दिन पर दिन अपना वजन बढ़ा रहा है। शरीर एक उसने डंपिंग ग्राउंड बना लिया है। आंतरिक अशुद्धि के कारण बीमारियों की शुरुआत हो जाती है और फिर डॉक्टर रूपी मदारी के चक्रव्यूह में फंस जाता है। डॉक्टर को ही भगवान मान लेता है और फिर डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल दवाई का गुलाम हो जाता है। मैं डॉक्टरों का शुक्रगुजार हूँ, कम से कम सभी मानव की आयु डॉक्टर के कारण में बढ़ती है। डॉक्टर करते क्या है? उनका शरीर के अंदर के कीड़े मारने का ज्ञान है उन्हें होता है और दवा बनाने वाली कंपनियां कीड़े मारने की दवा बनाती है। इसी के कारण आज मानव जिंदा है। डॉक्टर करते यह है, जो आपके आंतरिक मल संचय के कारण वह गंदगी में जो कीड़े हुए हैं, वह दवा देने के कारण वह कीड़े मर जाते हैं और मानव को लगता है वह ठीक हो गया। मित्रों, गंदगी अंदर वैसे की वैसी ही है, सिर्फ कीड़े मर गए हैं। वह गंदगी में वापस इससे ज़्यादा ताकतवर कीड़े हो जाते हैं, फिर मानव बीमार पड़ता है, फिर डॉक्टर और हाई पावर की दवा देता है और वो भी कीड़े मर जाते हैं और मानव खुश हो जाता है। कुछ बीमारियों के मरते ही नहीं, बनते ही रहते हैं। फिर भगवान रूपी डॉक्टर समझाते हैं, भाई अब जब तक जिंदा हो ये गोली आपको लेनी पड़ेगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत सारी बीमारियों में पेशेंट्स को जिंदगी भर के लिए गोलियाँ दी जाती है। इस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर की दुकानें चलती है, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मगर आपको अपने सत्य को समझना है। भगवान के आदेश पर जीवन भर गोलियों के ऊपर ये मानव निर्भर हो जाता है। भगवान मतलब मेरा कहने का मतलब है डॉक्टर के आदेश पर जीवन भर गोलियों के ऊपर निर्भर होकर जीता है।
मगर अपना गलत खानपान मतलब पक्व आहार छोड़ता नहीं। मित्रों, फिर बंदर की तरह गोलियां और डॉक्टर का गुलाम होकर जीवन में रात दिन मेहनत और कष्ट करके जो कमाया वह सारा डॉक्टर और दवाई पर बर्बाद कर देता है और आयु पूर्ण होने के पहले ही मर जाता है। मित्रों, एक आसान सत्य को यह मानव नहीं समझता, बीमारियों के कारण के ऊपर काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट यह कारण के ऊपर काम करती है, हम लोग कीड़े नहीं मारते। जो शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है जिसके कारण कीड़े बन रहे हैं, वह गंदगी हम शरीर के बाहर निकालते हैं और बाद में दोबारा गंदगी ना हो इसलिए ईश्वरीय भोजन जो हमारा मूल ईंधन है, फल सब्जी और पानी, यह प्राकृतिक स्थिति में कैसा खाना है यह हमारी संस्था आपको सिखाती है। इसलिए हम आपको ईश्वरीय सत्य से रूबरू कराते हैं। जैसे 84 लाख योनि में किसी भी प्राणी मात्र को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही मानव को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक ईश्वरीय सत्य है, हमारा डॉक्टर हमारे अंदर ही है, वह है हमारी माता जीवनी शक्ति। आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी माता को सहयोग करें। प्रथम सहयोग है जो परमात्मा ने हमारे लिए जीवनी शक्ति युक्त भोजन दिया है, वह भोजन चूल्हे के ऊपर जलाकर उसके अंदर की अपनी माता की हत्या करके उसे ना खाए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वह हानिकारक है। मित्रों, प्रकृति ने जैसा बनाया वैसा खाए, इसमें जीवनी शक्ति लबालब भरी हुई है। वही जीवनी शक्ति युक्त भोजन करोगे तो अपने शरीर में परमात्मा का संचार बढ़ेगा, हमारे अंदर की जीवनी शक्ति की ताकत बढ़ेगी और हम हर रोग से स्वयं लड़ेंगे। हमें किसी डॉक्टर या दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, एक वैश्विक संकट कोरोना में आपने एक बात आपके समझ में आई होगी, जो भी लोग कोरोना से मरे हैं वह पहले से ही और भी बीमारियों से ग्रस्त थे, उसके लिए उनकी मौत हो गई। जिसके शरीर में एक भी बीमारी नहीं वह कोरोना से बच गए, ऐसा क्यों? यह सोचना बहुत जरूरी है। आपके शरीर में जो भी रोग थे इससे रात दिन जीवनी शक्ति लड़ रही थी, अपने शरीर में पहले से ही दुश्मन मौजूद थे। वापस फिर से बाहर से करुणा रूपी महामंगल शत्रु ने आक्रमण किया तो बेचारी हमारी माता पहले से ही अंदर के दुश्मन से लड़ रही थी, फिर वह कमज़ोर हो जाती है। जैसे ही जीवनी शक्ति कमज़ोर होती है, मन समझ लेता है वह देह अभी कुछ काम का नहीं है और ये मन अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर निकल जाता है। इस तरह मानव देह का अंत हो जाता है। मित्रों, इससे एक बात स्पष्ट होती है, हमें हर हाल में प्रयास करना है, हमारे शरीर में एक रोग भी नहीं रहे, हमारा देह 100% निरोगी रहे। मित्रों, बाहर से कौन सा आक्रमण होगा यह हमारे हाथ में नहीं है, मगर हमारा शरीर निरोगी रखना हमारे हाथ में है। और मित्रों, आसान है। हमारे क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत ईश्वरीय खानपान पद्धति का अवलंबन करें, सभी आंतरिक शुद्धि करा ले और शरीर में जिसकी वजह से गंदगी निर्माण हो रही है वह खाना बंद करें। संक्षिप्त में कारण पर काम करें, रोगों पर नहीं, और प्रथम खुद को बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त बनाएं। और यह भी बहुत आसान है, हमारे क्रांति समर्पण ट्रस्ट का मतलब ईश्वरीय सत्य है, सभी रोगों का एक ही कारण आंतरिक मल संचय। और दूसरा सत्य है, जब सभी रोगों का एक ही कारण है तो सभी रोगों का एक ही औषध है, वह है लंघनम परम औषधम, मतलब उपवास ही सर्वश्रेष्ठ औषध है, इससे ही सभी प्रकार की बीमारियां नष्ट होगी और वापस बीमारियां मतलब आंतरिक गंदगी ना हो इसके लिए
प्रयास करें, जो खाने से आंतरिक मल संचय बढ़ता है वह है पक्व आहार। उसे छोड़कर अपक्व आहार पर धीरे धीरे स्थलांतरित हो जाए। हमारी डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम यह तीन सत्य के ऊपर ही आधारित है। मित्रों, सत्य को समझने का प्रयास करो और यह मायावी गलत खानपान को त्याग दो। समझदार बनो। बंदर की तरह मुट्ठी में जो पक्व आहार पकड़ा है वह छोड़ दो और आज से ही स्वस्थ और मस्त जीवन का आनंद लो। क्रांति मतलब सकारात्मक परिवर्तन, और परिवर्तन के सिवाय कुछ भी संभव नहीं है। और दूसरा है सर्वव्यापी परमात्मा को 100% अशर्त समर्पण। हमारे क्रांति समर्पण ट्रस्ट का इसका यह एक त्रिसूत्री हमारी यह साधना है, वह है क्रांति, समर्पण और सेवा। क्रांति मतलब सकारात्मक परिवर्तन, समर्पण मतलब पूर्ण अशर्त समर्पित करना, सेवा मतलब मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। यह त्रिसूत्री मार्ग पर हमारी क्रांति समर्पण ट्रस्ट यह संस्था काम करती है। यही मार्ग है संपूर्ण जीवन से मुक्ति पाने का, यही सही मार्ग है। यह मार्ग से आपको मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा। इसलिए हमारी संस्था से जुड़े और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज यहाँ तक ही, अगले भाग में विस्तार से समझेंगे उपवास क्या है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।